हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कंप्यूटर सेंटर ऑलरेडी चला रहे हैं या फिर अपना खोलना चाह रहे हैं। तो मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि सर मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए या मैं कहाँ से रजिस्टर्ड कराऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं मोटी रकम दे चुकूँ फ्रेंचाइजी को। तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो अपना सेंटर को खुद का अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपने एक जगह ले लेनी है किराए की या खुद की, आपकी अपनी हो जो, और उसके बाद आपको एक सोसाइटी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कराना होगा अपने सेंटर को। तो आप अपने एक सेंटर का नाम रख लिए सबसे पहले, उसके बाद आपको 7 मेंबर या 15 मेंबर की आपको एक सोसाइटी बनानी होगी। ये आपको कहाँ से बनेगी बता देता हूँ। ये चिट्स एंड फंड सोसाइटी से बनती है या कमीशनरी ऑफिस से बन सकती है या फिर आप किसी वकील से परामर्श ले सकते हैं। तो इसमें ये क्या रहता है, इसमें 7 मेंबर्स की सोसाइटी रहती है और 15 मेंबर की सोसाइटी रहती है। अगर आपके पास 15 मेंबर्स हैं तो आप वो चला सकते हैं, और अगर आपके पास 7 मेंबर्स हैं तो आप उनको रजिस्टर करा सकते हैं। उनके आधार कार्ड और कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको देने हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा जो अपने सेंटर्स पे लगा लेना है, और आप उससे कई सेंटर्स को चला सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा 5 साल के लिए आपका ये वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। 5 साल के बाद आप रिन्यूअल कराना चाहें ना कराना चाहें आपकी मर्जी है, क्योंकि आप अगर सेंटर को आगे चलाना चाहते हैं तो ये आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा रिन्यूअल, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा आपका स्टेप है कि आपको ISO सर्टिफाइड कराना पड़ेगा अपने सेंटर को। ISO सर्टिफाइड क्या होता है, ये इंटरनेशनल होता है और सर्टिफाइड हो जाएगा आपका सेंटर। ये 9001 2015 वाला आपको लेना है। अब इसका मैं आपको खर्चा कुछ बता दूं, तो इसमें ये रहता है सोसाइटी एक्ट का जो खर्चा रहता है वो 7000 से लेकर 10000 तक रह सकता है, और ऐसे ही आपका ISO सर्टिफाइड भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है। ये मैंने मिनिमम आपको बताया है, ज़्यादा आप मतलब अच्छे लेवल का ISO सर्टिफाइड लेते हैं तो वो महंगा पड़ता है। तीसरा आपका है उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन, इसके थ्रू आप अपने सेंटर को रजिस्टर करा सकते हैं। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप इसको उद्योग आधार से रजिस्टर करा सकते हैं। ये किसी भी आप साइबर कैफे या खुद ऑनलाइन या फिर किसी भी CSC सेंटर से आप करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपके सेंटर की डिटेल भरी जाती है और एक आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल भरी जाती है, कितने मेंबर आपके काम करते हैं उसकी डिटेल भरी जाती है। तो ये आपकी होती है, आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से इश्यू होता है ऑनलाइन, उसको आपको प्रिंट कराना है और अपने सेंटर पे लगा देना है। ऐसे ही आपको सोसाइटी एक्ट का एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उसको भी आपको अपने सेंटर पे लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपका सेंटर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप अपना सर्टिफिकेट खुद इश्यू कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो गुमराह हो रहे हैं और उन्हें सही जगह नहीं मिल रही, वो कहाँ से रजिस्टर कराए। इसमें अमाउंट तो आपका शुरू में जरूर लगेगा, मगर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए ये वैलिड हो जाएगा, और जो आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो आपका वैलिड होगा। बहुत से सेंटर्स इसी की तर्ज पे चल रहे हैं, नहीं तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या तो वो एक ट्रस्ट के जरिए चल रहे हैं या सोसाइटी एक्ट के जरिए चल रहे हैं, ISO सर्टिफाइड होता है और या फिर MSME से रजिस्टर्ड होता है। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे तो एक सक्सेसफुल सेंटर को रन करा सकते हैं और आप अपने और भी सेंटर्स को खोल सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल AICTE एडवांस टेक को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। कोई इससे कमेंट हो रिलेटेड तो प्लीज़ मुझको कमेंट करिएगा, और आप किसके बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में वीडियो आपके लिए बनाऊँगा, तो प्लीज़ उसे कमेंट करिएगा। Thanks for watching.